डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर टूडेज क्लास ऑफ डिवाइन पब्लिक स्कूल। आज हम क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे, जो कि एक्सरसाइज 1.3 का है। अब इस क्वेश्चन को पढ़ने के लिए वैसे आपने सॉल्व कर लिया होगा, क्योंकि इससे रिलेटेड जितने भी एग्जांपल थे मैंने सॉल्व करा दिया। लेकिन यदि आप में से किसी को डाउट हो, नहीं आया हो क्वेश्चन सॉल्व करना, तो आप अच्छी तरह समझना, ताकि जो भी आपके डाउट हैं वो भी क्लियर हो जाएं। देखिए ध्यान से, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि इसको शॉर्ट फॉर्म में हम MCQs बोलते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन, इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है उनको हम सेलेक्ट करेंगे, चूज करेंगे। ध्यान दें आप, उसका चयन करेंगे हम। अब अपने पास संख्या है 2 पॉसिबल रेशन नंबर बिटवीन -4/5 एंड -3/7। इन दोनों के हमें बिटवीन रेशन नंबर फाइंड करना है, तो सबसे पहले तो हमें एक लाइन खींचनी होगी। ध्यान दें आप, लाइन में क्या करना है हमें, यहाँ नेगेटिव लिख देंगे और यह -3/7 लिख देंगे। अब इसमें ये पता नहीं है ये बड़ी है ये छोटी है, इसलिए आइडिया मार लिख रहे हैं हम। तो सबसे पहले तो हम ऐसी संख्याओं को सोल्व करने के लिए, मैंने आपसे बोला कि यदि डिनोमीटर सेम नहीं है तो सबसे पहले तो हमें डिनोमीटर सेम करना होता है। तो अब ध्यान दें, 5 और 7 दोनों के LCM कितने आते हैं, 35 आते हैं, ये आप खुद जानते हो। ये 5 और ये 7 में फैक्टर्स करके भी अगर निकालूंगा तो 35 ही आएंगे। 7 5 जा 35, तो LCM 35 आए, तो अपन को करना कुछ भी नहीं है। 4/5 इसको 7 से मल्टीप्लाई करके अगली संख्या ले आएंगे। 7 4 जा 28 माइनस के आएंगे, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है मल्टीप्लाई रूल के अकॉर्डिंग। 7 5 जा 35, तो इसकी जगह तो हमें 28/35 लिखना है। अब उसमें भी -3/7 है, इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि दोनों जगह 35 आ जाएं, डिनोमीटर सेम हो जाएं। यहाँ 15 5 3 जा 15 प्लस माइनस माइनस 7 5 जा 35, तो यहाँ अपने -15/35 अपने आ चुके हैं। अब अपन को देखना है इनके बीच में कितने रेशन नंबर है। देखो ध्यान से, इससे तो आपको छोटी संख्या लिखनी है 28 से, और 15 से बड़ी संख्या लिखनी है। तो 27/35 26/35 25/35 24/35 23/35 22/35 21/35 20/35। अब उधर जगह नहीं है इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूँ। 19/35 18/35 -17/35 -16/35 और 15 यहाँ आ चुका है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि सारे रेशन नंबर इसके बीच के रेशन नंबर हैं, इनके बीच के, इन दोनों संख्याओं के बीच के रेशन नंबर हैं। अब आपको इसमें ध्यान रखना है, जैसे मान लो ये आ गया, दोनों ही पॉजिटिव है तो ये रेशन नंबर नहीं है, इसको हम टिक नहीं कर सकते हैं। यहाँ -1 और -2 आ रहे हैं, इसमें कहीं भी -1 -2 नहीं है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। -3 और -4 इसमें कहीं भी नहीं आ रहा है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। और -21 और -20 इसमें मिल रहा है, ये 21 है और ये बिल्कुल नीचे की संख्या भी सेम है। देखो ध्यान से, ये मिल गए, इसलिए ये अपना करेक्ट ऑप्शन है। बहुत ईजी है यदि आप ध्यान से समझो तो। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने बताया आपको, अब क्वेश्चन नंबर 2 में बता रहा हूँ 1 का। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि इफ़ -1/3, यदि -1/3 इज बिटवीन 0 एंड -1। ये कह रहा है कि -1/3 0 और -1 के बीच में है। क्या कह रहा है ये, कि -1/3 0 और माइनस के बीच के माइनस वन के बीच में है। देन
नेगेटिव वन अपॉन सिक्स मे बी बिटवीन, नेगेटिव वन अपॉन सिक्स इनमें से किस किन किन के बीच में, इन दोनों के बीच में है, इन दोनों के बीच में है, इन दोनों के बीच में है या इन दोनों के बीच में है, ये अपन को फाइंड करना। बहुत ईजी है, वैसे आप आइडिया लगा सकते हो, और आइडिया नहीं लगाना तो मैं सोल्व करके दिखा दूंगा। नेगेटिव वन और नेगेटिव टू के बीच की अपन संख्या फाइंड करते हैं। नीचे वन माइनस वन अपॉन सिक्स होना चाहिए, तो इसके नीचे वन कर सकते हैं हम, सिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं हम, इसको भी सिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यह नेगेटिव सिक्स अपॉन सिक्स और यह नेगेटिव ट्वेल्व अपॉन सिक्स, इन दोनों के बीच में आ रहा है क्या नेगेटिव वन अपॉन सिक्स? नहीं आ रहा, इसका मतलब यह नहीं है। अब लेते हैं हम ज़ीरो अपॉन वन नेगेटिव टू अपॉन सिक्स, यही है जीरो, ये तो सिक्स है ही से ऑलरेडी, इसको जीरो को सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, या जीरो अपॉन सिक्स आ जाएंगे या नेगेटिव टू अपॉन सिक्स आ जाएंगे, इन दोनों के बीच में है क्या नेगेटिव वन अपॉन सिक्स? बिल्कुल हैं, ज़ीरो के बाद नेगेटिव वन आता है फिर सिक्स, इन दोनों के बीच में है, तो ये अपना करेक्ट आंसर है। फिर भी अपन एक नॉलेज के हिसाब से इनको भी सॉल्व करके देख लेंगे इनके बीच में आता है नहीं आता है। ज़ीरो अपॉन वन सी वाला मैं सॉल्व कर रहा हूँ, नेगेटिव वन अपॉन सिक्स इसको भी सिक्स से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो जीरो अपॉन सिक्स ही आएंगे या नेगेटिव वन अपॉन सिक्स इनके बीच में नहीं है, यही है, तो ये नहीं आएगा। और इधर नेगेटिव टू अपॉन सिक्स और नेगेटिव थ्री अपॉन सिक्स के बीच में तो कुछ है ही नहीं, इसलिए इनके बीच में भी ये नहीं है, तो इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वह बी होगा, अर्थात ज़ीरो और नेगेटिव टू अपॉन सिक्स के बीच में नेगेटिव वन अपॉन सिक्स अपना आएगा। समझ में आ गया होगा ये अच्छी तरह। अब हम थर्ड क्वेश्चन समझते हैं, थर्ड क्वेश्चन भी आपने सॉल्व करके देखा होगा, यदि किसी को डाउट आ गया हो तो कोई बात ही नहीं है, डबल से समझ लें, लेकिन यदि मान लो कोई डाउट है तो क्लियर कर लें और अच्छी तरह समझ लें। अब इसमें क्या है, द नंबर ऑफ रैशनल नंबर बिटवीन, इन दोनों के बीच के जो रैशनल नंबर इनमें से कौन से हैं ये अपन को देखना है। तो सबसे तो पहले इन दोनों के बीच के जितने भी रैशनल नंबर हैं वो हमें फाइंड करना पड़ेगा, फाइंड करने के बाद ही हम कन्फर्म कर सकते हैं कि ये है आंसर, ये है आंसर, ये है आंसर बीच में या ये है आंसर। अब हम बीच के नंबर पहले फाइंड करके देखते हैं। देखिए अब ये मान लो नंबर लाइन है और मैंने यहाँ लिख दिया फाइव अपॉन सिक्स। सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज़ हमेशा से बता रहा हूँ जब जब भी मैंने बिटवीन नंबर फाइंड कराए हैं आपको, कि अगर डिनोमीटर सेम नहीं है तो सबसे पहले तो हम डिनोमीटर सेम करेंगे, और डिनोमीटर सेम करेंगे एलसीएम लेके। अब देखो नाइन और सिक्स के हम मैं एलसीएम लेके बता रहा हूँ आपको, नाइन और सिक्स इसके सबसे पहले तो मैं एलसीएम लेके बता रहा हूँ। नाइन नहीं डिवाइड होते हैं वैसे वैसे, ये थ्री टाइम्स थ्री से थ्री टाइम्स वन टाइम्स थ्री से वन वन थ्री थ्री जहाँ नाइन नाइन टू जहाँ एटीन कितना एटीन, तो दोनों का एलसीएम कितना आया अपने पास एटीन आया है। तो एटीन लाने के लिए क्या करेंगे हम, अब देखो ध्यान से, एटीन लाने के लिए नेगेटिव फाइव अपॉन नाइन इसको टू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एटीन आ जाएंगे, नेगेटिव टेन अपॉन एटीन। अब यहाँ इस स्थान पर नेगेटिव टेन अपॉन एटीन लिख देंगे, यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया होगा। और आपको पता है फाइव अपॉन सिक्स, सिक्स को थ्री से मल्टीप्लाई करने से एटीन आते हैं, तो फाइव थ्री जाए फिफ्टीन सिक्स थ्री जाए एटीन, तो इसके स्थान पर हम फिफ्टीन अपॉन एटीन लिख सकते हैं। यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब आगे करते हैं, इनके बीच में कितने रैशनल नंबर हैं इनको हम लिखते हैं, नाइन अपॉन एटीन नेगेटिव एट अपॉन एटीन नेगेटिव सेवन अपॉन एटीन नेगेटिव सिक्स अपॉन एटीन नेगेटिव फाइव अपॉन एटीन नेगेटिव फोर अपॉन एटीन नेगेटिव टू अपॉन एटीन सॉरी थ्री अपॉन एटीन नेगेटिव टू अपॉन एटीन नेगेटिव वन अपॉन एटीन। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ इसमें बीच में ज़ीरो, नेगेटिव वन के बाद ज़ीरो,
1/18, 2/18, 3/18, 4/18, 5/18, 6/18, 7/18, 8/18, फिर इधर लिखता हूँ मैं नीचे 8/18, 9/18, 10/18, 11/18, 12/18, 13/18, 14/18, ये सब नंबर इनके बीच के नंबर हैं। अब इसमें यहाँ एक भी रेशन अपॉन में नहीं है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा ये विशेष रूप से आपको ध्यान देना है। इनको काट लो, इनको काट लो, जो जो कट रहे हैं इसको काटो, तो 1/9, इसको काटो 1/6, इसको काटो 2/9, इसको काटो नहीं कट रहा है, इसको काटो 1/3, ये नहीं कट रहा है, इसको काटो 5/9, और यहाँ 1/2 माइनस के, यहाँ 4/9 माइनस के, ये नहीं कट रहे हैं, ये 1/3 माइनस के, ये नहीं कट रहा, ये यहाँ 2/9 माइनस के, 1/6 माइनस के, 1/9 माइनस के, ये नहीं कट रहा है, इधर से काटो 4/9 है, 1/2 है, 5/9 है, ये नहीं कट रहा, 6/2 = 12, 6/3 = 18, ये नहीं कट रहा, ये कट रहा है 7/9। अब देखो इसमें एक भी संख्या बिना अपॉन वाली नहीं आई है, सब अपॉन में अर्थात सभी रेशनल नंबर है, ऐसी संख्या एक भी नहीं आई है, तो जब इनमें से कोई नहीं है तो इसका आंसर ये रहेगा। समझ में आ गया आपको, अच्छी तरह काट के भी देख लिया हमने, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन ना तो 11 आए, ना 90 आए, ना 9 आए, तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे हम, इसका आंसर ये लिख देंगे। यहाँ तक अच्छी तरह समझ में आ गया होगा आपको, और भी कोई डाउट है तो आप बचा के रखिए, अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, थैंक यू, वेरी नाइस डे।